हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने स्टार्टिंग में स्टेटस वीडियो देख ही लिया। इस टाइप के वायरल रील लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं, इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है। आप यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। सॉन्ग ऐड करने के लिए प्लस पर टैप करना है। ऑडियो पर टैप करना है। यहाँ से आपको सॉन्ग सेलेक्ट करना है। प्लस पर टैप करना है। मीडिया में टैप करना है। आपको यहाँ से फोटो को सेलेक्ट करना है जिस पर वीडियो एडिट करना चाहते हैं। फोटो पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है। फोटो लेयर पर टैप करना है। मुँह पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। बैक आना है। फोटो पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको इसके साइज को कम कर देना है। बैक आना है। प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से सेव को सिलेक्ट करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। एडिट सेव पर टैप करना है। एक्स पर टैप करना है। 345 कर देना है। फाइव पर टैप करना है। 475 कर देना है। रेडियस पर टैप करना है। 45 कर देना है। बैक आना है। फोटो एंड सेव लेयर पर टैप करके होल्ड करना है। आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। एडिट ग्रुप पर टैप करना है। फोटो पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। आप यहां से इसे सेंटर में कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। आप यहां से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। शैडो पर टैप करना है। सेकेंड ऑप्शन पर टैप करना है। शैडो को इनेबल कर देना है। साइज पर टिक करना है। 15 कर देना है। लास्ट में आना है। इस पर टैप करना है। एक्स वाई को 0 कर देना है। बैक आना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए बैकग्राउंड फोटो पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। ब्लर पर टैप करना है। आपको यहां से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। इस पर टैप करना है। 0.200 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। लास्ट में आना है। इस पर टैप करना है। आपको इसको 25 कर देना है। अल्फा पर टैप करना है। 50 कर देना है। नॉर्मल पर टैप करना है। स्क्रीन सेलेक्ट करना है। बैक आना है। क्राउन इमोजी ऐड करने के लिए प्लस पर टैप करना है। टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहां से इमोजी टाइप कर सकते हैं। कलर पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको इसको नीचे की साइड कर देना है। इस पर टैप करना है। सेंटर में कर देना है। फॉन्ट पर टैप करना है। आपको यहां से इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। iOS फॉन्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 18 PT पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। टिक कर देना है। लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है। लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इसकी पोजीशन को सेट कर देना है। बैक आना है। इमोजी लेयर पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। नीचे की साइड कर देना है। बैक आना है। लेयर पर टैप करना है। शैडो पर टैप करना है। थर्ड ऑप्शन पर टैप करना है। शैडो को इनेबल कर देना है। साइज पर टिक करना है। 0 कर देना है। सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए प्लस पर टैप करना है। टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पे लिरिक्स टाइप कर सकते हैं। कलर पर टैप करना है। व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। लिरिक्स को सेंटर में कर देना है। फॉन्ट पर टैप करना है। आपको यहाँ से इस फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। फॉन्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 18 PT पे टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। टिक कर देना है। लिरिक्स लेयर पे टैप करना है। मुंह पे टैप करना है। आप यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक आना है।
लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, शैडो पर टैप करना है, थर्ड ऑप्शन पर टैप करना है, शैडो को इनेबल कर देना है, साइज पर टिक करना है, जीरो कर देना है, बैक आना है। लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, टेक्स्ट पर टैप करना है, आपको यहाँ से इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, लेटर पर टैप करना है, टैन कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, टेक्स्ट पर टैप करना है, आपको यहाँ से इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इस पर टैप करना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में जाना है, एंड से थोड़ा पहले प्लस देना है, एंड में 100 कर देना है, नीचे की साइट आना है, ट्रांसफॉर्म पर टैप करना है, नीचे की साइट आना है, आपको यहाँ पे अल्फा पर टैप करना है, -1.0 कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, नीचे की साइट आना है, आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इस पर टैप करना है, 0.5 कर देना है, इस पर टैप करना है, 0.15 कर देना है, नीचे की साइट आना है, इस पर टैप करना है, 0.02 कर देना है, कलर पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है, डार्क कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, नीचे की साइट आना है, इस पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इस पर टैप करना है, 0.30 कर देना है, इस पर टैप करना है, 0.30 कर देना है, बैक आना है, सॉन्ग को प्ले करके देख लेना है, लिरिक्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क कर लेना है, लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा करने के लिए लेयर पर टैप करना है, टाइमर पर टैप करना है, आप यहाँ से लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, होल्ड करके आपको इसको आगे की साइड कर देना है, सॉन्ग के अकॉर्डिंग कॉपी लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, इस पर टैप करना है, एक लाइन में कर देना है, इस पर टैप करना है, साइज को कम कर देना है, टिक कर देना है, लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉपी लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, आप यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर टैप करना है, आप यहाँ से इसे सेंटर में कर सकते हैं, आप यहाँ से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बैक आना है, लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, कॉपी लेयर करना है, आप यहाँ से लिरिक्स के अकॉर्डिंग पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट नेम लिखने के लिए प्लस पर टैप करना है, टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है, वीडियो एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।